बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, पेट बहुत ज्यादा निकल चुका है, लटके हुए पेट को सपाट करना चाहते हैं, किस तरह से हम करें? सुनकर थोड़ा सा डर लगता है, अरे वजन कम करना है, लगता है भूखे रहना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैंने खुद ने अपना वजन कम किया है, 6 से 7 किलो मैंने वजन कम किया है। परंतु एक बार वजन कम होने के बाद क्या हमेशा हमारा वजन कम रहेगा कि वापस बढ़ जाएगा, ये भी एक सवाल है। तो इसके लिए आपको अपने वजन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वजन बढ़ जाता है यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं तो वजन को किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से वजन को घटाएं, बहुत आसान चीज आज आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ अच्छे अच्छे टिप्स शेयर करूंगी दोस्तों, जिससे कि आसानी से आप अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं शिखा श्रीवास्तव 56 ईयर की हूं मैं, और मेरा भी वजन अभी बहुत ज्यादा था, 73 था, और आज मेरा वजन है 66। 1.5 से 2 महीने के अंदर मैंने अपने इस वजन को कम किया है, बिल्कुल हेल्दी तरीके से मैंने वजन को कम किया दोस्तों। किसी भी तरह का ऐसा नहीं कि मेरे चेहरे पर रिंकल्स आए हैं या कुछ इस तरह की मुझे कोई परेशानी हुई, कुछ भी नहीं हुई है। तो हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं, खाते पीते हुए ये मत सोचे कि भूखे रहना पड़ता है। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी भूखे नहीं, कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दें, खाइए आप लोग थोड़ा बहुत कभी, पर ऐसा नहीं कि एक कटोरी भरकर हम हलवा खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल स्वाद के लिए आप थोड़ा सा अगर कभी ले लिए वैसे, और खासकर शक्कर की चीज खाना तो बिल्कुल बंद कर दें। मैंने खुद ने शक्कर की चीजों को मैंने बहुत अवॉइड किया है दोस्तों। खाना मैं पेट भर के खाती हूँ, चाय कॉफी भी पीती हूँ, क्योंकि चाय कॉफी हम लोग नहीं छोड़ सकते, पुराने समय के लोग हैं, चाय कॉफी सभी को बहुत पसंद होती है, आप लोग भी शायद नहीं छोड़ पाते होंगे। परंतु सबसे पहली चीज जो कि मैंने अपने ऊपर आजमाई है और जिससे मैंने अपना वजन कम किया है, मेरे यहाँ भी सब बोलते थे अरे नहीं होगा तुमसे, अकेले नहीं होगा, डाइटिशियन लगाए। मैंने बिना किसी डाइटिशियन के अपना वेट लॉस किया, बिना 1 रुपए खर्च किए हुए मैंने वजन कम किया है, बिल्कुल हेल्दी तरीके से। मेरे किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं आया कि अरे मेरा चेहरे पर रिंकल्स आ गए। तो सबसे पहले उठना है और गर्म पानी, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके साथ बोलती हूँ दोस्तों, फ्रेश होइए। आपके पास वेइंग मशीन है, वजन नापने वाली मशीन है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो ले सकते हैं दोस्तों। मतलब मैंने भी ली है, 200-300 रुपए की आती है वजन की मशीन। जिस दिन भी हमारा 50 ग्राम 100 ग्राम भी वजन कम होता है ना, हम लोग बहुत खुश होते हैं और फिर हम लोग मोटिवेट होते हैं कि अरे वाह आज मैंने 100 ग्राम वजन कम किया, मतलब आज मैं अपना दिन भर ध्यान रखूंगी। मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ दोस्तों, जब 73 से मेरा जिस दिन 3-4 दिन बाद ही दिखा था मुझे 72.800 को दिखा था, मैं इतनी खुश हुई थी कि 200 ग्राम मेरा वजन कम हुआ है, मतलब आज तो मैं अपना वजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। और उस दिन मैंने पूरा ध्यान रखा, सुबह उठकर मैंने बहुत अच्छा गर्म पानी पिया जिसमें मैंने जीरा डाला था। बहुत से वीडियो शेयर किए दोस्तों, कभी जीरा का पानी, कभी सौंफ का, कभी तेज पत्ते का पानी, कभी मेथी का पानी और कभी सौंफ का, जैसे आपको लगे आप उस तरह से चेंज करें। अदरक का पानी पीती हूँ मैं कभी कभी, तो इस तरह से आप रोज लेना है, एक दिन का गैप नहीं करना है आपको इस बात का। अब ऐसा नहीं कि मैंने कोई महंगी चीज बताई कि आपको ग्रीन टी पीना है, अब आप सोचेंगे अरे ग्रीन टी का और खर्चा, कोई जरूरत नहीं है। ग्रीन टी तो आप लोग जरूर पिए, नहीं है आप अपने घर का 1 चम्मच सौंफ डालें, कभी 1 जीरा। ये क्या करता है, इतना कैल्शियम होता है जीरे में दोस्तों, वजन भी कम होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, हमारा हाजमा दुरुस्त होगा, साथ ही साथ हमें हड्डियों के दर्द से भी राहत दिलाता है जीरे का पानी। पुराने से पुराना बहुत से वीडियो शेयर किए दोस्तों कि घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, किस तरह से हम जोड़ों के दर्द को दूर करें, तो जीरे का पानी। सौंफ क्या करता है, सौंफ का पानी हमारी आंखों की रोशनी को तेज करता है, और ये जो वेट लॉस ड्रिंक हम लोग पीते हैं ना दोस्तों, इससे हमारे चेहरे पर चमक आती है, निखार आता है, हमारे बालों का झड़ना बंद होता है, सफेद बाल की समस्या भी दूर होती है। आप देखे होंगे दोस्तों आजकल लोगों के उम्र से पहले बाल सफेद होने लगे, इसका क्या कारण है? कुछ तो है, हमारा खान पान है दोस्तों जिसके कारण हमारे बाल सफेद होने लगे हैं। तो हेल्दी डाइट ले, ये जो हम लोग पीते हैं ना, जीरे का पानी, सौंफ का पानी, तेज पत्ते का, ये सारी चीजें बदल बदल कर जो पीते हैं, ये सफेद बाल की समस्या भी दूर करेगी। तो आपको ये चीजें हेल्दी भी रखेगी और आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो खूबसूरती है, वो भी आपकी बनी रहेगी। तो इस तरह से ले। इसके बाद आप लोग जब चाय पीते हैं दोस्तों, खूब ज्यादा दूध की चाय ना पिए। मैंने खुद ने दूध की चाय कम कर दी है, चाय पीती हूँ मैं 1 बड़ा कप भरकर, थोड़ा दूध की क्वांटिटी कम करें जितना हो सके। लो फैट मिल्क ले, मलाई वाला दूध तो पीना ही नहीं है आपको दोस्तों। लो फैट मिल्क की या कम दूध की आप लोग चाय बनाए, चाय ज्यादा पी सकते हैं, शक्कर नहीं, गुड़ डालें उसमें आप, ठंड का मौसम है, गुड़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, थोड़ा मीठा हमारे शरीर में जरूर जाना चाहिए, तो गुड़ डालें, आयरन भी मिलेगा
और हड्डियों को मजबूत बनाता है गुड़। कई वीडियो शेयर किए हैं मैंने गुड़ के आपके साथ। मैं खुद भी अपनी बेटियों को रोज खाने की थाली में एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ जरूर देती हूँ दोस्तों, आंखों की रोशनी के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए। तो गुड़ डाल सकते हैं आप चाय में, नाश्ता हल्का फुल्का लें, कोई भी फल लें। जरूरी नहीं कि बहुत महंगा फल हो वही हमें खाना है, कुछ नहीं तो एक केला खा सकते हैं, पपीता ले सकते हैं आप, पपाया बहुत बड़ा ना खाएं, छोटा सा टुकड़ा खाएं पपीते का, और कोई भी फल को काट कर ना रखें आप खाएं। जब सभी मेंबर हो घर के तब पपीता काटें, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा पपीता आप लोग नहीं खा सकते। मैं खुद अपने लिए जब मार्केट से लाती हूँ पपीता दोस्तों, तो मैं बहुत छोटे साइज का लाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ और कोई पपीता खाना पसंद नहीं करता, परंतु मुझे अपना वजन कम करना है इसलिए मैं लेकर आती हूँ। तो छोटा ही पपीता मैं लेकर आती हूँ ताकि मैं उसे पूरा खा सकूं, या फिर अपने हस्बैंड को आधा दे देती हूँ। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ दोस्तों दिन भर में कम से कम 15 गिलास पानी जरूर पिए, जितना हो सके उतना पानी पिए। पानी क्या करता है दोस्तों, हमारी बॉडी को अंदर से साफ करता है, हमारी शरीर में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालता है। सुबह तो गर्म पानी ही पीना है आपको उठते साथ, अच्छा लगे ना लगे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, पर मैंने आदत डाली कि नहीं मुझे सुबह उठकर गर्म पानी पीना है। अच्छा, दो बड़े गिलास में पीती हूँ गर्म पानी, उसके आधे घंटे के बाद मैं चाय पीती हूँ। तो और दिन में आप सारा पानी भी ले सकते हैं, फ्रीज का पानी आपको बिल्कुल नहीं लेना। दूसरी चीज, जब आप लोग खाना खाते हैं, लंच और डिनर करते हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना उस समय। आपने पूरा खाना खा लिया, एक सिप पानी पिए, उठ गए खाने से, आधे घंटे के बाद आप जितना चाहिए उतना पानी पिए। खाना खाते समय पानी नहीं पीना है लंच और डिनर में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी चीजें दोस्तों, बस मैंने इन्हीं चीजों को फॉलो किया है, मुझे किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं पड़ी, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब मेरा वजन कम होता है। उसके बाद जैसे वजन कम हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा मेंटेन करके रखना है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि अरे वजन कम हुआ वापस तुम्हारा वैसे ही बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने जो वजन कम किया 7 से 8 किलो 2 से 3 महीने में, उसके लिए हमको बहुत कुछ जानकारी हो चुकी है अब कि शक्कर नहीं खाना है, उठते साथ हमें गर्म पानी पीना है, कभी सौंफ का कभी जीरे का, हमको बहुत सारी हरे धनिये की चटनी खाना है, हमें सैलेड ज्यादा से ज्यादा खाना, इतनी सारी हमारे पास जानकारी है। तो इतना वजन हमारा किसी हालत में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम मेंटेन तो करेंगे अपने आप को, इतना तो हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये सच नहीं है कि वजन वापस उत्तर दुगनी तेजी से बढ़ने लग जाता है, जी नहीं, हमने इतनी मेहनत से कम किया है तो उतनी तेजी से बढ़ेगा नहीं, पर फिर भी मेंटेन करके रखें। और मैदे की चीज, जो बिस्किट होता है वो तो बिल्कुल बंद करें, जितना हो सके मैदे की चीज ना खाएं। रोटी खा सकते हैं आप, गेहूं की एक रोटी खाएं, ज्यादा ना खाएं, सैलेड ज्यादा खाएं, टमाटर ककड़ी प्याज जो भी है वो खाएं आप लोग। ऐसे सैलेड तो आसानी से ले सकते हैं, टमाटर बहुत सस्ता आता है, 2 टमाटर काटे लंच में, डिनर में भी टमाटर जरूर खाना है दोस्तों। मतलब मेरा खुद का अनुभव है कि अभी मैंने 4-5 दिन यदि टमाटर नहीं खाया खाने के साथ, तो 100 ग्राम 150 ग्राम मेरा वजन मुझे दूसरे दिन बढ़ा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उसके लिए फिर मैंने बाकी चीजें खाई, रोटी ज्यादा खा ली। तो ये सैलेड खाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारा पेट जल्दी भर जाता है, और जब पेट भर जाता ना, तो जो हम 2 रोटी खाने वाले थे एक रोटी में ही हमें सेटिस्फेक्शन होता है। दाल खूब सारी खाएं, अच्छी मूंग की छिलके वाली दाल, कम से कम तेल मसाला डालें दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून तेल या घी, जिसमें भी आप लोग पकाते हैं। तो अगर हम अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं तो बहुत हेल्दी तरीके से हम अपने वजन को कम कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होती है। अगर वजन बढ़ता है ना दोस्तों, तो ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज, बहुत सारी चीजें, ये जोड़ों में जो दर्द होता है, ये क्यों होता है, बढ़ते हुए वजन से ही होता है। और हमारा खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मुझे भी अभी जब मेरा वजन बढ़ गया था दोस्तों, बीच में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, तो मेरे को खुद को अपना कॉन्फिडेंस कम हो गया था, बहुत से कपड़े नहीं आते थे, हम लोग परेशान होते हैं कि अरे क्या पहने। और वापस मैंने थोड़े दिन ध्यान रखा है, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें, इतनी मेहनत लगती है वजन कम करने में, पर भूखे रहने की जरूरत नहीं है। शाम को आप लोग मखाना खाएं, चना खाएं, बहुत सी रेसिपी शेयर की मैंने मखाने की, बिल्कुल आधा चम्मच घी में, ऐसा नहीं कि आपको फ्राई करना है, बिल्कुल कम से कम तेल घी का इस्तेमाल करना है। सलाद खाएं, हरी पत्तेदार सब्जी खाएं आप लोग, भाजी खाएं आप लोग, और हरे धनिये की चटनी और सलाद, ये 2 चीजें आपको मेरी मानना है, और सुबह का वेट लॉस ड्रिंक, आप बहुत खुश होंगे दोस्तों। आप इतनी तेजी से 1 सप्ताह करके देखें, उसके बाद मुझे कमेंट जरूर करें यदि आप लोगों का वजन कम होता है। तो इस तरह से दोस्तों वजन को हम आसानी से घटा सकते हैं,
और इस तरह के वीडियोस यदि आप लोगों को जरा भी पसंद आ रहे हैं दोस्तों, जरा भी अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सभी लोग मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, आप लोग मेरा परिवार है दोस्तों, तो मेरे साथ मैंने जैसे वजन कम किया है मैंने पूरी सच्चाई आपके साथ शेयर की है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।